तो भाई अभी हम इसका ना रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक करते हैं, तो इसका ना नेक्सॉन का स्टाइल। तो भाई ये क्या है भाई? अरे भाई देखो सेंसर फिट कर रहे हैं ना तो देखो इनका वीडियो आ रही है देखो अब कहाँ से आए हो काम कराने के लिए? भिवानी से। भिवानी से या? काम कैसा लगा? बढ़िया काम है भाई। अच्छा, और अच्छे सुबह लगे थे लड़के, शाम तक लगे रहे एक ही गाड़ी पे। बढ़िया इन्होंने काम किया है तसल्ली से। और सारे पार्ट्स मैंने जेन्युइन लगवाए हैं, और क्योंकि आउट ऑफ मार्केट भी आते हैं पार्ट, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि आउट ऑफ मार्केट नहीं लगा, तो जितने लगे थे जेन्युइन पार्ट्स लगाए और वारंटी के साथ हैं सारे। और रेट भी इतने, जब मार्केट से अगर कंपेयर करते तो रेट भी इतने ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल जो रेट होते हैं उतने ही हैं। मतलब डिस्काउंट भी भाई ने काफ़ी अच्छा दिया है मेरे को, सारी जब पूरी गाड़ी मॉडिफाई करवाई तो उन्होंने डिस्काउंट भी काफ़ी दिया है। अच्छा, तो भैया ये भी बोल रहे थे कि भैया सुबह ना कहीं और गए थे पहले, हम उनका नाम ही लेंगे किसके पास गए थे पहले, तो जिसके पास भी गए थे उनके प्राइस आपको ज़्यादा हाई लगे पहले? हाँ, एक्चुअली मैं पहले किसी और की वीडियो देख के आ रहा यहाँ पे, पर वहाँ पे मैंने जब प्राइस वगैरह कंफर्म किया देन देखा कि यहाँ के तो प्राइस, सोचा और सेम सामान के, सेम सामान मैंने सोचा कि एक बार यहाँ मार्केट में थोड़ा पूछ लिया जाए, कंपेयर कर लिया जाए कोटेशन लेके। देन मैं भाई के साथ भाई की दुकान पे गया तो इन्होंने पूरी कोटेशन बताई, तो काफ़ी डिफरेंस मुझे मिला उसमें। अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इनसे ही सारा अपनी मॉडिफिकेशन गाड़ी की करवाऊंगा। अच्छा, हेलो भाई, मेरा नाम है मंगेश पाल, आज हम बात करने वाले हैं भाई टाटा नेक्सॉन के बारे में। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. देखने में तो आपको टॉप मॉडल लग रहा होगा कि भाई 2022 का टॉप मॉडल, लेकिन नहीं भाई, मैं रखा हूँ भैया सन्नी कार सीट कवर के पास में। तो आज इस कार का हम पूरा फुल वॉकराउंड रिव्यू लेके आए हैं। कार पूरी बेस टू टॉप मॉडिफाई करी गई है। यह भाई आपका नेक्सॉन का XE वेरिएंट, मतलब बेस मॉडल। फ्रंट के अंदर आप देखोगे ना, मतलब ऐसे ना टॉप मॉडल तो यार कंपनी वाले भी नहीं बना के देते हैं जैसे इसमें अभी काम हो गया है। चाहे आप इसके एलॉय व्हील्स की बात कर लो, कंपनी फिट एलॉय व्हील्स हैं, सारा का सारा काम जो है इसका जेन्युइन करा गया है, ठीक है। साइड के फुटरेस्ट आप चाहे देख सकते हो, बस इसके अंदर दो चीज़ की कमी रह गई है जो कि भैया के पास अभी अवेलेबल नहीं थी, वो आपकी दो एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ भी लग जाएगी, जिसमें आपका एक वॉल्यूम्स हो गया, पावर विंडो हो गए, ठीक है। तो फ्रंट से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो कार के अंदर ना फ्रंट में और रियर में डिफ्यूज़र लगाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बम्पर गार्ड भी बोल सकते हो आप, जैसे इनको डिफ्यूज़र बोलते हैं, ये आप देख रहे हो ये अलग से, क्योंकि बम्पर तो यही होता है, इसके आगे जो है ये डिफ्यूज़र लगाया गया है। कॉस्टिंग वगैरह की बात करोगे वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे बिल्कुल, ठीक है, कॉस्टिंग वगैरह के बारे में। बाकी ये मैं आपको बता दूँ, नेक्सॉन के बेस मॉडल प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो आपको मिलते ही हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये आपके DRS एक तरीके DRS ही हैं, ये आपका हाई बीम, ये आपके हाई बीम में, ये आपके लो बीम में, और इन दोनों के अंदर भाई आपकी इन दोनों के अंदर भाई क्रिस्टल आई की LED लगी गई है जो कि 120 वॉट की है, ठीक है, दोनों के अंदर लगी हुई है। और नीचे में फॉग लैंप को हेलोजन के अंदर रखा गया स्टॉक, ठीक है। लेकिन ये जो आपका पूरा आप कवरिंग देख रहे हो, ये भाई ये भी पूरी चेंज करी गई है, साथ में ये आपका DRS जो कि हाफ जलते हैं, और ये इंडिकेटर्स का भी आपका काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट लुक जो है ना वो स्टेप्स है, और नेक्सॉन का यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख रहे होगे, जैसे रियर में लिखी होती है ऐसे यहाँ पे नेक्सॉन की ब्रांडिंग फ्रंट बोनट के ऊपर लिखवाई गई है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं, इसके अंदर ना एक आपका रिमोट की आपको देखने को मिल जाएगी, रिमोट की वैसे आती नहीं है, ये भी बनवाई गई है, जिसके अंदर आपका लॉक अनलॉक, ये बूट ओपन करने का आपको ऑप्शन है, और वर्किंग है ये, तो इस तरीके से आपका लॉक हो जाएगा, इस तरीके से आपका अनलॉक हो जाएगा। एक बार बीप, अगर आप एक बार बीप करोगे तो ये आपकी लॉक हो जाती है, और दो बार बीप करेगी तो आपकी अनलॉक हो जाती है। अगर बाय चांस आपका गेट खुला हुआ छूट गया, ठीक है, इस तरीके से आपका रह गया है, और आप उसको लॉक करोगे तो इस तरीके से आपको इंडिकेशन करती है। बाकी अगर आप उसको अनलॉक करके हम उसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो भाई ये आपका फुल वर्किंग वाला सिस्टम है। बाकी अगर आप एलॉय व्हील्स की बात करोगे तो भाई ये एलॉय व्हील्स जो है, जिनकी गाड़ी है
उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा ये एलॉय व्हील्स, उन्होंने भाई आपकी कंपनी से ही लगवाए हैं, कंपनी फिट एलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी आपके साइड के फुटरेस्ट वगैरह हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फुटरेस्ट आपके लगाए गए हैं एसेसरीज के अंदर, जो कि ये आपका काम सन्नी कार से ही हुआ है। बाकी आपके जो ओआरियम्स हैं ये आपके मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। लेकिन आपकी साइड बीडिंग की बात करोगे ना तो ये आपको बेस मॉडल के अंदर ना ऐसी नहीं आती है, टॉप मॉडल के अंदर आती है। तो ये पूरी की पूरी ना आपकी ये मतलब इनको हटवा के टॉप मॉडल वाले करवाया, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेपिंग कर रखी है, यहाँ पे आप देखो ना हल्का सा, तो ये टेपिंग कर रखी है इसके ऊपर यहाँ पे भी, और रूफ में भी आपकी टेपिंग करी गई है, रूफ रेल्स लगाई गई है जो कि ओरिजिनल नेक्सॉन की है। साथ ही में इसके अंदर रेन वाइजर लगाए हैं, ये भी ओरिजिनल नेक्सॉन के रेन वाइजर है। बाकी आपके यहाँ पे दिख रहा होगा भाई पिलर के ऊपर इन्फिनिटी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। चारों स्पीकरों में भाई फ्रंट के अंदर दो कंपोनेंट और दो ट्विटर डाले हैं, रियर डोर्स में दो स्पीकर डाले हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना अभी आपको मैं सुनाऊंगा, बड़ा स्वीट सा कॉम्बिनेशन है, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। साथ में इसके अंदर JBL के ना सब बूफर इसके अंदर जो है वो डाला गया है। ये है भाई इसका रियर नेक्सॉन का बेस मॉडल, आपको कहीं से लग रहा है बेस मॉडल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये है बेस मॉडल नेक्सॉन का रियर से, पीछे में आप देखोगे यहाँ पे आपका डिफ्यूज़र लगा हुआ है इस तरीके से, मैं आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लग रखा है, लेकिन नहीं भाई ये डिफ्यूज़र लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में है, ये भी आपके पूरे। बाकी ये आपके टेल लाइट्स हैं जो कि स्टॉक है कंपनी से आते हैं, ठीक है, LED टेल लाइट्स। और ये आपका जो पार्ट आता है ना ये वाला, ये भी आपका भाई ब्लैक कलर के अंदर आता है, लेकिन ये भी आपको इसके ऊपर भी टेपिंग करके इसको टॉप मॉडल जैसा लुक दे दिया जो कि 2022 के अंदर है। बाकी इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी लगाया गया है जहाँ पर कंपनी फिट बिल्कुल एज इट इज़ आता है। बाकी यह है नेक्सॉन की यहाँ ब्रांडिंग जो कि कंपनी से आती है। बाकी ऊपर रूफ के अंदर बात करोगे तो इसके अंदर आपका शार्पी 19 लगाया गया है जो कि आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, और देखने में कैसा लग रहा है। और वर्किंग है ये भी भाई, आपका FM से कनेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार कार को हम अनलॉक कर लेते हैं तो, और बाकी आपके साथ क्रोम डोर हैंडल्स भी आपके लगाए गए हैं, ठीक है। तो हमने जो है कार भी अनलॉक कर लिया, यहाँ पर इंटीरियर का लोग एक बार देख सकते हैं। नेक्सॉन की वेलकम प्लेट्स इसके अंदर लगाई गई है। फ्रंट के अंदर दो पावर विंडो तो आपको कंपनी से आती हैं। इसके अंदर जो है भाई आपका कार के अंदर डैम्पिंग करी गई है। डैम्पिंग का आपको रिस्पॉन्स आप कैसे पता लगेगा अब, तो भाई यहाँ पे आप देखोगे कैसी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ भाई इसके अंदर डैम्पिंग करी गई है जो कि डबल लेयर है, और आपका अंदर से भी और बाहर से भी पूरा डैम्पिंग करी गई है मेगासोनिक की। आपको उसका बूट और ओपन करके दिखाता हूँ जो कि यहाँ से हो जाएगा आपका ओपन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो JBL 1300 वाट का भाई आपको इसके अंदर सबवूफर जो है वो आपका फिट करा गया है, ठीक है। बाकी ये आपका ये लगे हैं प्राइमर्स, इन्फिनिटी के प्राइमर्स लगे हैं 320 वाट के, ठीक है। दो कंपोनेंट और दो स्पीकर यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि तो मैं आपको LED बता रहा था वह ये हैं क्रिस्टल आई की LED लाइट्स 120 वाट की। अच्छा भाई इसके अंदर एक बार की का आपको और रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ। जैसे आप अपनी की लगाओगे ना तो ये देखो आपकी जो है मेन लाइट है वो ऑन हो जाती है, अभी मैंने ऑन नहीं करी है कि, और ये आपका डिस्प्ले जो है ये भी ऑन हो गई है। 9 इंच की स्क्रीन, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, ये पूरा रिस्पॉन्स एक बार आप चेक कर सकते हो। वेलकम प्लेट्स मैंने आपको दिखाई दी हैं। बाकी ये है आपकी एमएन लाइट जो कि भाई आपके डोर से होकर डैशबोर्ड से लेकर पूरा आपके रियर डैशबोर्ड तक पूरा आप देख सकते हो, रियर डोर के पैनल्स तक आपके कंटिन्यू करी गई हैं। बाकी चलते हैं एक बार इंटीरियर के अंदर। अच्छा भाई तो बात कर लेते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग के अंदर ना आपको भाई स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जो है वो आपके लगाए गए हैं, और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जो है भाई वो आपके वर्किंग है पूरे ऑल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यार, ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन कम, और ये आपका क्रूज कंट्रोल लगाया गया है। क्रूज कंट्रोल की एक बार ना बात कर लेते हैं, जिन भाई ने इसके अंदर क्रूज कंट्रोल लगवाया है ये भाई है ना भाई, यो परली साइड का ही वर्किंग है, यो बस डमी लगा रखी है। अच्छा, ये डमी लगा रखी है, देखने में अच्छी लगती है ना, बस देखने में अच्छी लगती है इसे लगा रखी है। तो भाई ये आपका वर्किंग नहीं है क्रूज कंट्रोल जो है इसके अंदर। बाकी आपके वॉल्यूम अप डाउन वगैरह ट्रैक वगैरह चेंज करने का ये पूरा वर्किंग है। बाकी भाई ने ये आईपॉप वगैरह भी लगवा रखा है, ठीक है। बाकी एम्बिएंट लाइट तो आप देख ही रहे हो, ये है भाई इसका रिस्पॉन्स और लुक यही है। बाकी भाई ये है आपका स्टीरियो जो कि 9 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले है। भाई किसकी डिस्प्ले लगी है इसमें, कौन सी कंपनी की? मेगासोनिक की डिस्प्ले लगाई है। मेगासोनिक की डिस्प्ले, रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी। अच्छा, 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी वाला है, कारप्ले वाला। अच्छा, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो ऐप का दोनों सपोर्ट है? हाँ जी, सपोर्ट। अच्छा, तो भाई आपका एंड्रॉइड ऑटो ऐप का दोनों ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके तीनों मोड इसके अंदर मिल जाते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट्स मोड वगैरह, ठीक है। सर बेस से टॉप तो इसके अंदर मोस्टली काम तो हो ही गया है, कुछ भी मतलब छूटा नहीं है। बाकी ये इसके अंदर आर्मरेस्ट है, आप सब कहोगे भाई ये आर्मरेस्ट तो आता ही नहीं है। हाँ, तो भैया आर्मरेस्ट जो है ये BMW स्टाइल में, भैया को 2-3 आर्मरेस्ट दिखाया, उनको ये वाला पसंद आया जिसके अंदर आपका यहाँ पे कप होल्डर वगैरह भी है, ठीक है। और ये BMW स्टाइल इस तरीके से ये जो है खुल जाता है आपका, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपके जो है USB पोर्ट दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी,
इस कार के अंदर जो की आती है वो निकाल ली गई है, उसकी जो आपकी नॉर्मल की जो आती है यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से निकाल के और आपका ये रिमोट वाला सिस्टम कर दिया है। बाकी भाई एक बार ना आपको बैक कैमरा और चेक कराया जाता हूँ, तो रिवर्स पार्क रिवर्स लगाते हैं बस का। तो ये आप भाई आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा। अच्छा भैया एक बार बताओ, जो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपने लगाया ये मूविंग कैमरा है या मूविंग कैमरा है, मतलब स्टीयरिंग से मूव करेगा यहाँ जब कार चलेगी। चलो भाई तो आपका ये मूविंग कैमरा लगाया गया, अब इसका ना एक बार ना रिस्पॉन्स चेक कराए थे स्पीकर्स का और सब बूफर का, ठीक है। तो भाई वो गाने बजाते हैं इसके अंदर। भाई बात कर लेते हैं उनसे जिन्होंने भाई गाड़ी में काम करवाया है और जिन्होंने काम किया है। तो भाई दोनों भाई अपने पास आ जाओ सामने सबसे पहले। तो भाई ये हैं भैया जिन्होंने गाड़ी में काम कराया है और ये हैं सन्नी भाई जिन्होंने गाड़ी में काम कराया है, ठीक है भाई। तो भाई आप कहाँ से आए हो काम कराने के लिए? भिवानी से। भिवानी से काम कैसा लगा? बढ़िया काम है भाई। अच्छा और अच्छे सुबह लगे थे लड़के, शाम तक लगे रहे एक ही गाड़ी पे, बढ़िया इन्होंने काम किया है तसल्ली से। और सारे पार्ट्स मैंने जेन्युइन लगवाए हैं, और क्योंकि आउट ऑफ मार्केट भी आते हैं पार्ट, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि आउट ऑफ मार्केट नहीं लगा, तो जितने लगे थे जेन्युइन पार्ट्स लगाए और वारंटी के साथ हैं सारे। और रेट भी इतने जब मार्केट से अगर कंपेयर करते तो रेट भी इतने ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल जो रेट होते हैं उतने ही है। मतलब डिस्काउंट भी भाई ने काफ़ी अच्छा दिया है मेरे को, सारी जब पूरी गाड़ी मॉडिफाई करवाई तो उन्होंने डिस्काउंट भी काफ़ी दिया है। अच्छा तो भैया भैया ये भी बोल रहे थे कि भैया सुबह ना कहीं और गए थे पहले, हम उनका नाम ही लेंगे किसके पास गए थे पहले, तो जिसके पास भी गए थे उनके प्राइस आपको ज़्यादा हाई लगे पहले? हाँ एक्चुअली मैं पहले किसी और की वीडियो देख के आया था यहाँ पर, वहाँ पर मैंने जब प्राइस वगैरह कन्फर्म किया देन देखा कि यहाँ के तो प्राइस सोचा और सेम सामान के सेम सामान मैंने सोचा कि एक बार यहाँ मार्केट में थोड़ा पूछ लिया जाए, कंपेयर कर लिया जाए कोटेशन लेके। देन मैं भाई के साथ में भाई की दुकान पे गया तो इन्होंने पूरी कोटेशन बताई तो काफ़ी डिफरेंस मुझे मिला उसमें। अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इनसे ही सारा अपनी मॉडिफिकेशन गाड़ी की करवाऊँगा। अच्छा भैया अभी एक बात बताओ यार, ये तो अब भैया थोड़ा निराश होकर जा रहे हैं कि हमने उनकी पावर विंडो नहीं लगाई है। भैया पावर विंडो हमारी लगाने की बात हुई थी, पावर विंडो भी और साथ ही साथ हमें ORVM लगाने की भी बात हमने करी थी। हाँ। लेकिन वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाया। अच्छा हमने भैया को फिर से हमारे पास बुलाया मिलने के लिए, हम इनका actually, और डिस्काउंटेड प्राइस में फिट करके देंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो आउट ऑफ मार्केट है वो वाली पावर विंडो लगा देंगे, लेकिन मुझे आउट ऑफ मार्केट नहीं लगवानी, मेरे को जेन्युइन वाली जो टाटा की आती है वही लगवानी है। इन्होंने बोला कि अभी वो एक दो दिन में अवेलेबल हो पाएगी क्योंकि अभी की कंपनी से नहीं आ पा रही इनके पास में इस वजह से, तो मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा और इनसे पावर विंडो और ORVM जो है वो लगवा। अच्छा आर डी की वैसे चाहो तो लगवा सकते हो, वैसे जो टाटा की लगाएंगे हम इनकी ORVM भी लगाएंगे, पावर विंडो भी लगाएंगे। अच्छा अच्छा और बस इतना। बाकी भाई ये बताओ यार जो ये लाइट जो आपने नीचे लगाई है तो किया में आती है ना ऐसी, देखिए आपने यहाँ पे जो किया में आती है ना ऐसे, ये कौन सी लाइट लगा रखी है आपने इसमें? ये हमने भैया ने हमें एक फोटो दिखाई थी, भैया को मन था ये लाइट लगवाने की। अच्छा अच्छा तो हमने ये लाइट इनको लगा के दी है। अच्छा स्ट्रिप लाइट कहते हैं, स्ट्रिप लाइट ये फ्रंट आगे आगे लगती है, मतलब ये बिल्कुल वहाँ तक पूरा DRL। अच्छा तो बाकी भाई आप इसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो लाइट का एक बार, है ना। अच्छा फॉग लैम्प में आपने व्हाइट लाइट में लगवाई भैया? ये क्या दिक्कत रहती है कि जब फॉग रहती है सर्दियों में तब जो वाइट कलर की लाइट रहती है वो फॉग में ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती है। अच्छा तो विजिबिलिटी की दिक्कत आती है, इस वजह से फॉग लैंप मैंने येलो ही, जो हेलोजन आते हैं मेरे सेम रखे हैं, बाकी जो लो बीम और हाई बीम है इसमें HID करवाई है। अच्छा और कंपनी से कितने का लगा के दिए ये फॉग लैंप? कंपनी में थोड़ा महंगा लगा दिया, 5000 का लगा के दिया। और यहाँ कितने के मिल रहे हैं ये? ये भाई प्रोजेक्शन वाले लगा रहे थे 2500 में ओनली, 2500 रुपये में। अब बताओ भाई ये हेलोजन लगाए हैं बल्ब के अंदर वो भी। चलो भाई बाकी भाई ये बताओ, अच्छा बात कर लेते हैं प्राइसिंग वगैरह से, तो भाई प्राइसिंग के बताओ कैसे करोगे? बहन की प्राइसिंग टोटल जो आई है हाँ 85,000 आई है। 85,000 इस सारे काम की? अच्छा काम बता दो, अब मैंने काम वैसे दिखा तो दिया है सारा का सारा, फिर भी एक बार डिटेल में वो बता दो क्या क्या काम हुआ है इसके अंदर। तो मैंने इसमें क्या क्या करा है? हाँ इसमें हमने इसके प्रोजेक्टर में हाँ और यहाँ पे हाँ दो पेयर लगाए हैं
क्रिस्टल आई के 120 वॉट एलईडी लगाई है इसमें हमने। हाँ जी, ऊपर नीचे दोनों, हाई लो दोनों में। अच्छा, 120 वॉट में एलईडी आती है। अच्छा, क्रिस्टल आएगी। ठीक है, डीआरएल लगाई है ये वाली। अच्छा, पूरा फ्रेम हमने चेंज करा है, पूरा फ्रेम हमने लगाया है इसमें। ठीक है, ये वाली लाइट मैंने आपको दिखाई थी, स्ट्रिप लाइट हमने इसमें लगाई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप ना, मैंने हर एक चीज तो दिखा दी डिटेल में, अब मुझे फ्रंट का तो मैंने देख लिया, अब आप ये बताओ कि इसके अंदर मतलब जो सामान जो आपने लगाया लगाया बस वो बताओ जो हमने लगाया इसमें। हाँ, रूफ रेल्स हो गई, ये हो गया। अच्छा, ये नेक्सॉन की ब्रांडिंग हो गई, नेक्सॉन की ब्रांडिंग हो गई। ठीक है, ये हो गई। और डिफ्यूजर हो गया, डिफ्यूजर हो गया। हाँ, डिफ्यूजर हमने बैक में भी लगाया। हाँ, फ्रंट और रियर डिफ्यूजर। अच्छा, क्रोम डोर हैंडल्स लगाए हैं, आईपॉप हो गया। ठीक है, रेन वाइजर, ये आपके कंपनी का है ओरिजिनल। अच्छा, फुटरेस्ट हमने लगाया। अच्छा अच्छा, वेलकम प्लेट्स हो गई। ठीक है, ये डिफ्यूजर हो गया। अच्छा, ये डिफ्यूजर है पूरा। हाँ जी, ये पूरा हमारा डिफ्यूजर है। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये भी डिफ्यूजर है। हाँ जी, ये पूरा डिफ्यूजर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, मुझे तो लगा यार ये ना कंपनी से ही आता है ऐसा, अब मुझे ये चीज़ लगा। अच्छा, ये डिफ्यूजर ही है पूरा। अच्छा अच्छा, साथ में हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी लगाया है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर, ये टर्न इंडिकेटर का काम वर्क करेंगे, इंडिकेटर वाले। अच्छा, ये जला के दिखा दो, वो जलाइए इंडिकेटर वाले। अच्छा, मतलब लाइट के अंदर ही वर्क करते हैं अपना पूरा का पूरा। हाँ, इंडिकेटर देने पे या फिर जब हैजार्ड लाइट ऑन हो तो। हाँ, रन करते हैं। अच्छा, मुझे मस्त लग रही है यार, कुछ भी कहो। और बताओ भाई, और ये जो शार्पटीन एंटीना, ये तो कंपनी से भी नहीं आता इसके अंदर? बे कंपनी से आते नहीं है। हाँ, ये बेस मॉडल है, इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता, इसमें हमें बिल्कुल अंदर से एम्प्टी दिया जाता है। हाँ, तो उसमें हमने पहले सेटिंग बिठाई है, इसमें टाटा का हमने एंटीना फिट करा है। हाँ, और उसके बाद हमने इसमें शार्पटीन एंटीना लगाया भैया, जो कि वर्किंग है पूरा का पूरा। है भैया, ये टॉप मॉडल से ऊपर बन गई? ये बेस मॉडल में देते नहीं है एंटीना वगैरह। हाँ, तो अभी मैंने इनको बोला था कि मुझे सिर्फ दिखाने के लिए एंटीना नहीं चाहिए, मेरे का सिर्फ दिखाने के लिए एंटीना नहीं चाहिए, वो वर्किंग होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने टाटा का जेन्युइन एंटीना है, पहले तो वायरिंग वगैरह कंप्लीट करके लगाया, देन शार्पटीन लगाया। अच्छा, और भाई देखो, कोई भी बात झूठ नहीं है, देखो इसमें पावर विंडो नहीं है तो नहीं है, नहीं लगाई, जो चीज़ है वो सामने है, सब चीज़ें है ना भाई। हाँ जी। बाकी भाई, ये जो आपके आप ये जो रूफ जो आपने करवाई है, टेपिंग वगैरह जो करवाई है ना, तो ये ना, ये अब टॉप मॉडल में अब आ गया है, पहले तो नहीं था ये, पहले तो वैसा आता था ना, ये पियानो ब्लैक फिनिश में, पियानो ब्लैक टाइप में आता था। अभी मैंने देखा था शोरूम में, तो इसका ड्यूल टन जो टॉप मॉडल आता है, तो उसमें मैंने कलर देखा था ये वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करवा लूँ ये वाली। तो मैंने पूरी जो रूफ रैपिंग है इसकी, मीन्स इसको हाफ रैपिंग बोलते हैं। हाँ, तो हाफ रैपिंग पूरी जो टॉप मॉडल वाली रहती है वो सेम करवा दी। अच्छा, और भाई ये दिमाग भैया ही का था, ठीक है, इन भैया ने इनको दिमाग दिया, इन्होंने करा दी टेपिंग इसके ऊपर, है ना। और बाकी ये साइड में यहाँ पे भी आपकी जो है, ये भी पूरा का पूरा टेपिंग कराई गई है, ऊपर छत पे भी हुई है। हाँ, पीछे स्पॉइलर्स पे भी हुई है। हाँ हाँ, यहाँ साइड में भी हुई है। हाँ हाँ, और यहाँ बैक साइड में भी हुई है। हाँ, ये पूरी भी टेपिंग है भाई, देखो पूरी अपना मतलब ये टॉप मॉडल बन गई है अब कार, है ना। अब इसमें भाई आपको किस चीज़ की कमी रह गई है भाई? बस अभी नेक्स्ट पावर विंडो ही रहेगी, पावर विंडो और ORVM रह गए मेरे, वो मैं नेक्स्ट वीक तक वो भी लगवा लूँगा इसमें। अच्छा अच्छा, देन ये कंप्लीट मेरी, सिर्फ सनरूफ इसमें नहीं लग सकता, लग सकता है लेकिन वो मुझे लगवाना नहीं, क्योंकि मैनुअल वो। हाँ, रूफ वगैरह काटते हैं तो मैं वो लगवाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, और इतनी जरूरत भी नहीं है, सनरूफ को छोड़ के टॉप मॉडल बन गई, इसमें हर चीज़ है जो एक टॉप मॉडल में रहती है। अच्छा, बाकी भाई प्राइस वगैरह तो भैया ने बता ही दिया है। अच्छा, किसी को आना हो तो भाई कहाँ पे आना, अगर काम कराना हो नेक्सॉन में तो? भैया हमारी शॉप करोल बाग के अंदर है, ठीक है, बीकानेर से हमारी अपोजिट में पड़ती है। ठीक है, पार्किंग है, MCD पार्किंग, उसके सामने हमारी शॉप है, सन्नी कार सीट कवर के नाम से हमारी शॉप है। लेकिन आपको टाइम बहुत लग गया है। टाइम लग गया भाई, क्योंकि लेकिन काम तसल्ली में हुआ, बढ़िया आराम से काम किया है, 6-7 घंटे लग गए। हाँ, लेकिन काम तसल्ली से किया है, और भाई ने ऐसा नहीं है कि भाई ने खूब अपना चाय पानी नाश्ता खाना पीना सब करवाया यहाँ पे। अच्छा, मजा आ गया। हाँ, बढ़िया फैसिलिटी है और बढ़िया शॉप है। मैं चाहता हूँ कि सभी अपनी जिसको भी कार डेकोरेशन कराने का है, मॉडिफाई कराने का मन है, तो यहाँ पे आए और सन्नी भाई से करवाए। अच्छा, और भी आपको काम अगर जेन्युइन करवाना है, अच्छा करवाना है, एक बार में करवाना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा काम करवाने के। और भाई कॉल करके जरूर आए कि पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है। बिल्कुल, कॉल करके, है ना भाई। हाँ जी। तो भाई आपने बता ही दिया है प्राइस वगैरह, तो बाकी आपको इनका जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर ना तो कर देना सब्सक्राइब, वीडियो सबके देखना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके भाई, बाय 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 बाय।